धारक जो है वो बेहद ज्यादा खुश हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला लिया है। आखिर क्या ये फैसला लिया है, क्यों जेबीटी धारक बेहद ज्यादा खुश हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ तस्वीरों में मौजूद हैं अखिल बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव और ऑल इंडिया नेशनल स्पोक पर्सन घनश्याम जी, आइए बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम घनश्याम जी और जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश के तमाम जेबीटी धारक जो कि लगभग 60,000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हैं, तो इतने ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल मैम, खुशी तो होगी क्योंकि ये जो संघर्ष था काफी लंबा रहा। 2018 29 जून से लेकर जबकि नोटिफिकेशन आई थी कि बीएड को इंक्लूड किया जाएगा प्राइमरी टीचर के तौर पे, तब से लेकर हम ये कंटिन्यू संघर्ष लड़ रहे हैं अपने प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पर भी। तो बिल्कुल मैम, ये खुशी की बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे हित में आया है और जो हमें एक्सपेक्टेड भी था कि सर्वोच्च जो न्यायालय है वो सही और गलत की सही परख करेगा, और जो ये डिसीजन आया है ये हमारे सर आंखों पे है। बिल्कुल, आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जीबीटी जो डिग्री धारक हैं उनके हित में फैसला लिया है और जो भी अब प्राथमिक शिक्षक होंगे उसमें जीबीटी डिग्री धारकों को जो है सबसे पहले मान्यता दी जाएगी और जो बीएड हैं उन्हें वहां से, जो बीएड डिग्री धारक हैं उन्हें वहां से निकाला गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। हालांकि अब हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का अब ये रुख अपनाने वाले हैं, क्या हिमाचल में यही अप्लाई होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? जी बिल्कुल मैम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये जो फैसला आया है कोर्ट नंबर 2 से आया है, सुधांशु जो दुलिया जी हमारे हैं और अनिरुद्ध बोस की बेंच से आया है। तो ये जो फैसला है ये सारी ही स्टेटों में सर्वमान्य है, और जैसा कि हमारे स्टेट के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो बिल्कुल हमारा डिपार्टमेंट, हमारी बात डायरेक्टर सर से भी हो चुकी है और सेक्रेटरी सर से भी हो चुकी है। हालांकि ईएम साहब के भी बिल्कुल सख्त निर्देश थे कि बिल्कुल जेबीटी के साथ बिल्कुल भी व्यवहार दोगला बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो जिसका अधिकार है, उचित शिक्षण जिसने लिया है, प्रशिक्षण जिसने लिया है, उसी को ही हम प्राइमरी में पढ़ाने की अनुमति देंगे, ताकि हमारे जो स्कूल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात है वो पूरी कर सकें। तो इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल प्रिपेयर है मैम। जी घनश्याम जी, जानना चाहेंगे कितना लंबा संघर्ष था खासकर हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए। मैम काफी लंबा और तनावपूर्ण संघर्ष था क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन थी वो एकदम से आ गई। उस टाइम तो सच्ची बात ये बताऊं, मैं खुद भी ट्रेनिंग कर रहा था, तो हमारे सीनियर्स लोग ने जुड़ के इकट्ठा हुए, समझने की कोशिश की। तो वास्तविकता ये भी है कि चीजें समझने में ना समय भी लग जाता है, उसी कारण हम लोग स्टेट में यहाँ पे हाई कोर्ट में केस भी हार गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, नेशनल कमेटीज बनाई, लोगों से जुड़े, इंटरेक्ट किया, अलग अलग स्टेट में जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट के जेबीटी से इंटरेक्ट किया और समझने की कोशिश की डिपार्टमेंट से कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या हमारे एनसीटी के नियम बताते हैं। तो उसके बाद काफी मैम, ये मैं बताऊं कि दिन रात एक किया हुआ है हमारी टीम ने, और आज ये बहुत खुशी की बात है कि फैसला हमारे पक्ष में आया है। जी घनश्याम, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने जेबीटी प्रशिक्षु हैं जो बेरोजगार हैं, जो ये मांग कर रहे थे और काफी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे थे? बिल्कुल मैम, हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो 60,000 ट्रेन टीचर जो है प्राइमरी के लिए जेबीटी के और डीएलएड का जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, और अभी भी दो बैच हर साल बैच बिठाए जाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमारे 28 है, 12 हमारी डाइट्स है, कॉन्टिन्यूसली उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो मतलब इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी क्यों बीएड को एनरोल किया जा रहा था ये हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम इससे बिल्कुल खुश है और बिल्कुल सही ये जो फैसला है आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कब से यहाँ पर भर्तियां रुकी हुई थी और कितने प्रशिक्षु यहाँ पर जो है अभी अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में रिक्त जो पद हैं वो लगभग कितने हैं? मैम हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो मैं बात करूं तकरीबन 4,000 के आसपास प्राइमरी टीचर के पद खाली है, और उसमें से 2,500 पद ऐसे है जो नोटिफाई हो चुके हैं, और साथ ही साथ टीचर जो है अवेलेबल हमारे पास काफी ज्यादा नंबर्स में है। और जो भर्ती की मैं बात करूं, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट कमीशन हुआ है वो 2019 का हुआ है, उसका 721 पोस्ट कोड था, वो कंडीशनल अपॉइंटमेंट उनको दी गई है जिसमें कि बीएड धारियों को भी अपॉइंटमेंट दी गई है। और बैचवाइज जो भर्ती अभी 2021 के बाद से शुरू की है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ के पेंडिंग है,
तो उस पे हमारा विभाग बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उनके अपॉइंटमेंट को नल एंड वॉइड किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना एक फैसला दे दिया है, अगर हम हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं, और तमाम जेबीटी जो डिग्री धारक हैं वो हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से क्या मांग करते हैं? बिल्कुल मैम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये तो बिल्कुल सर्वविदित है कि इम्प्लीमेंट तो हर स्टेट में होना ही होना है, तो जल्द से जल्द इस पे जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो भी जितने भी केसेस पेंडिंग रखे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये इसकी जजमेंट दी जाएगी, उनकी जजमेंट जल्द से जल्द वर्डिक्ट आ जाए, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट से भी मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द वो जो जितने भी बीएड टीचर उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनकी नियुक्ति भी खारिज की जाए। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु पे भी मैं बात करना चाहूंगा, जो टेट है मैम, बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हमारे पास अभी भी 2011 जून से ये शुरू हुआ है प्राइमरी के लिए जो टेट है, 2022 नवंबर में बीएड को एक नोटिफिकेशन आई थी कि इलिजिबल किया गया था। तो इन बिटवीन जितने भी नॉन जेबीटीज है जिन्होंने टेट लिया है सर्टिफिकेट, उनको जल्द से जल्द खारिज किया जाए। जी, और भी कई मांगे होंगी वैसे तो अगर हम जेबीटी प्रशिक्षुओं की बात करें, लेकिन घनश्याम अगर हम संघर्ष की बात करें तो पूरे देश में ये संघर्ष चला है, और यहाँ पर जानने का भी प्रयास करेंगे कि अभी हमारे पूरे देश में किन किन राज्यों में ये जो जेबीटी और बीएड का जो संघर्ष चल रहा था वहां पर सफल हुए हैं जेबीटी प्रशिक्षण। बिल्कुल मैम, तकरीबन मैं बताऊं मैम, 14 से 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे ये फैसला विरुद्ध आया था, और बाकी 12 से 13 स्टेट्स में इन्होंने आउटकम टू फाइनल आउटकम टू सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया था, और तब तक अपने आरएनपी रूल पे स्टैंड बाई किया था। तो बाकी जितनी भी स्टेट्स में, कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स इसमें गिनाना चाहूंगा, यूपी, राजस्थान में उनके हित में आया था, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल, ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जहां पे कि फैसला हमारे विपरीत आया था, और अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है मैम। लोग दूर दूर से आते थे, और दिल्ली में आपको पता है किस तरह का टेम्परेचर रहता है, और उस टेम्परेचर में 15-15-20 दिन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने, और मतलब बहुत इन्वेस्ट होता है, मनी इन्वेस्ट होती है, और एक कुछ गोल्स लेके चलता है कि हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी मैम ये जरूरी हो जाता है कि सही प्रशिक्षण लिया हुआ अभ्यर्थी ही सही चीज पढ़ाए, और ताकि बच्चों का भी भविष्य ठीक रहे और हमारे समाज की नींव भी सुदृढ़ रहे। जी, इतना लंबा संघर्ष रहा, करोड़ों का खर्चा भी हुआ होगा, किस तरीके से मेंटेन किया है प्रशिक्षुओं ने, हालांकि ये जो सफर रहा है इसमें आपके प्रशिक्षुओं की पढ़ाई भी थी, उनकी फीस भी थी, लाखों लाखों रुपए उन्होंने अपनी इस डिग्री को पाने के लिए खर्च किया, और उसके बाद संघर्ष पर भी आपने पैसा खर्च किया है, इतना पैसा कैसे संभव हो पाया है सारा? मैम अगर तो हम ग्रॉस में बात करें मैम, अप्रोक्स 1.5 करोड़ का खर्चा इसमें सुप्रीम कोर्ट के केस में आया है, और अगर हम अपने स्टेट की बात करें अप्रोक्स 15 लाख का खर्चा हमारा यहाँ पे आया है, क्योंकि आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की जो फीस रहती है, और हमारे एडवोकेट भी जो थे तो कपिल सिब्बल जी थे, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी थे, काफी कॉपरेट भी उन्होंने किया, मैं ये भी नहीं कहूंगा, हालांकि उन्होंने कोशिश की कि स्टूडेंट्स है जितना कम से कम हम, लेकिन फिर भी एक रेपुटेशन होती है, और पैसा इकट्ठा करने के लिए मैम हमने बहुत कैंपेनिंग की है, हमने विभागों में जाके भी चंदा एकत्र किया है, जितने स्टूडेंट्स तक हम रीच कर सकते थे। मैं बता दूं 1.4 करोड़ जेबीटीज है, प्राइमरी टीचर जो ट्रेंड है, उन लोगों से हमने इकट्ठा किया हुआ है, किसी ने 10 रुपए दिया, किसी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, सबने कंट्रीब्यूट किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान की बीएसटीसी टीम का, और अलग स्टेट के भी जितने भी मेंबर्स थे और जिन्होंने हमें सहयोग किया, हालांकि बहुत सारी जर्नी में डिस्प्यूट्स भी आए, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हमारी जो टीम है डटी रही, चाहे स्टेट की बात करूं चाहे हमारी नेशनल टीम की बात करूं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जेबीटीज का। और साथ ही साथ मैं बीएड के अभ्यर्थियों के लिए भी अपील करना चाहूंगा, ये वक्त होता है, ये डिपार्टमेंट की कमियां थी या नोटिफिकेशन थी जो भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए जो आपने कोर्स किया है उस पे आप फोकस करें, और ना कि बचे थोड़ा सा ट्विटर के ट्रेंड से। मैं यही कहना चाहूंगा जेबीटी साथियों से भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, अब इतना लंबा अगर हमने संघर्ष किया है मैम, तो अब चाहेंगे कि वो फल भी मिले जिसके लिए हमने ट्रेनिंग की है, अपॉइंटमेंट भी मिले, और हम टेट जो हम कमीशन है वो भी क्रैक करें, चाहे केवीएस की बात हो उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। जी घनश्याम, अगर हम वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जेबीटी बनाम, पहले भी ऐसे ही चल रहा था जेबीटी बनाम बीएड या बीएड बनाम हम ये कह सकते हैं जेबीटी, तो अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि भविष्य में ये लड़ाई और ज्यादा उग्र रूप ले लेगी? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये है कि बीएड को जो ये जॉब मिल रही थी मैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो कॉम्प्लीमेंट्री जॉब के लिए कोई भी इतने एफर्ट्स नहीं करता है। वो अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, वहां पे साफ साफ जो सुधांशु दुलिया की बेंच ने और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जो जजमेंट दी है मैम, 40 पेज की जजमेंट है, उसपे साफ ये मेंशन किया गया है कि जो प्राइमरी लेवल का पेडागोजी होती है, साइकोलॉजी होती है, उसमें बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21A के अनुसार और 309 के अनुसार जो हमारा आरटीई राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे और हम प्राइमरी टीचर के लिए प्रॉपर एक करिकुलम बना हुआ है और उसके लिए ट्रेन टीचर जेबीटी या किसी भी और नाम से हो सकता है प्राइमरी के लिए, तो वहां पे बीएड कोई एक ना हायर क्वालिफिकेशन है ना एडिशनल क्वालिफिकेशन है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो 6 to 10th के लिए अलग से उनकी साइकोलॉजी और पेडागोजी है, वो उनके लिए प्रशिक्षण लिया है। कहने का अर्थ ये है कि जिसका काम है उसी को सहजता है, मतलब ट्रेनिंग अगर उन्होंने 6 to 10th की है तो वो उस क्लास के लिए बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। अगर प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग एक प्राइमरी प्रशिक्षु ने की है तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, और तभी हम हमारे एजुकेशन के गोल्स पूरे कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ला सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। जी घनश्याम, हालांकि लड़ाई जहां तक हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है ये फैसला आ चुका है, लड़ाई खत्म हो ही चुकी है लगभग, लेकिन फिर भी कई मांगे होंगी, चाहे वो रिक्त पदों की हो या अन्य मांगे हो, उसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश के ये जो जेबीटी प्रशिक्षु हैं, आगामी रणनीति किस तरीके की बनाने वाले हैं? मैम दो चार बिंदु है मैम इसमें। अब एक कैडर होता है मैम, तो कैडर में हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि 50% बैच वाइज जाती है, 50% कमीशन के आधार पर भर्ती होती है। तो इसमें दो तीन बिंदु और भी है कि इसमें एक तो फेक डिप्लोमे काफी देखने को मिले हैं, वो चाहे मैं ईटीटी की बात करूं, चाहे बीएड की बात करूं, चाहे हमने और भी देखे हैं, काफी फेक डिप्लोमेज है। दूसरी बात है मैम, हमारे पास बैच वाइज में भर्तियों में एक अस्थिरता देखने को मिलती है, एक ही प्रशिक्षु 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में उसको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, जब मेरिट बन के आती है तो 12 के 12 जगह हो सकता है उसका नाम आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक जगह तो वो पोस्ट ले लेगा, एक्वायर कर लेगा, लेकिन 11 जगह वो वैकेंट चली जाएगी। तो इस चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड हमारा जो डिसेबल का दिव्यांग का कैडर है, वहां पे भी फेक डिप्लोमे पाए जा रहे हैं। हमारे पास तथ्य है, विजिलेंस में इसकी रिपोर्ट और हाईकोर्ट में केस भी चले हुए। तो इस बात इसको लेकर हमारी बात, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित ठाकुर जी का, जेन्युइनली बोलूं तो इतना अच्छा सपोर्ट और पॉजिटिव सपोर्ट उनकी ओर से मिला है। हमारे आग्रह पे उन्होंने टेबल मीट भी रखी डायरेक्टर से, सेक्रेटरी साहब से, हालांकि धर्मशाला से स्पेशली बोर्ड के सचिव को भी बुलाया कि इनकी मांग सुनी जाए कि यार दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि हमें भर्ती करवानी है और सही कैंडिडेट वहां लगाने हैं। तो उसके बाद चीजें बहुत सारी क्लियर हुई है, तो हम देख रहे हैं कि ये चीजें बहुत जल्दी ही और अच्छी गति से होने वाली है, क्योंकि अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रवैया ही इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है डिपार्टमेंट भी फुर्ती से काम करेगा। जी अपनी ओर से और हिमाचल प्रदेश के तमाम जो जेबीटी प्रशिक्षु हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी और हिमाचल प्रदेश के भी मौजूदा सरकार? मैम अखिल भारतीय बेरोजगार प्राइमरी टीचर संघ की ओर से तो सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों के जितने भी प्रशिक्षु हैं और जिन लोगों ने भी हमारा सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो स्टेट में जितने भी हमारी यूनियंस हैं, जितने भी मेंबर्स एक्टिव हैं, वो लोग हौसला ना हारे, क्योंकि एक संगठन सिर्फ इसी के लिए नहीं था कि भाई सुप्रीम कोर्ट से केस आएगा हम हो जाएंगे, चीजें लगातार हमारा काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैडर को सुरक्षित रखना और सही को सही और गलत को गलत कहना, जो भी चीजें आवश्यक है कैडर के लिए और अच्छी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा हमें कॉन्टिन्यूसली करते रहना है, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आनी है, क्योंकि लड़ाई जिंदगी में चली रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन लड़ते रहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा पर हमारा साथ देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमारे साथ घनश्याम मौजूद थे, ये नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं और सचिव भी हैं। इसके साथ ही खुशी है हिमाचल प्रदेश के जितने भी यहाँ पर जेबीटी डिग्री धारक हैं उनके चेहरे पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो उनके हित में आया है। फिलहाल अब ये देखना होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं, इन पदों पर कब भर्ती होती है, कब जो है ये सारी जो रिक्त पद हैं ये भरते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। नमस्कार।